तो एक्चुअली हम आपकी शादी प्लान कर रहे हैं ना, तो हमें आपकी पसंद नापसंद जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप जवाब देते जाइए। ओके, थीम कलर रेड। आपका फेवरेट कलर रेड। स्टेज डेकोरेशन रेड। दुल्हन के जोड़े का कलर, वैसे अगर दुल्हा दुल्हन के जोड़े का कलर कोऑर्डिनेटेड होना तो अच्छा लगता है। रेड। आप मजाक कर रहे हैं ना? मजाक? अभी मजाक करना शुरू ही कहाँ किया है मैंने। मजाक करना शुरू कर दिया ना, आप हंसना भूल जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। पल्लवी नहीं है वो, एक्चुअली मैम को एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा तो उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर पल्लवी नहीं है तो फिर मैं बाद में आती हूँ। ट्विंकल, क्या लगता है आपको, हम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं? मेरा एक एक मिनट बहुत प्रेशियस है, और अगर आप वक्त पर आ जाती ना तो ये काम कब का हो जाता। सो प्लीज लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ। ठीक है मैम। एक्चुअली पल्लवी मैम अपनी एंगेजमेंट के लिए एक अच्छी सी रिंग देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने ज्वेलर को भी बुलाया हुआ है। अगर आप एक बार पसंद कर लेती तो। ओके, लेट्स डू इट देन। आई थिंक ये बहुत प्रिटी है ना, बहुत क्लासी है ना। बकवास। ट्विंकल जी, मैं ये रिंग अपने फियांसे के लिए ले रहा हूं, किसी सर्वेंट के लिए नहीं। And I'm really sorry to say, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी चॉइस इतनी खराब है। I'll only select. This is the one. I really like this one. ये ट्राई करके दिखाइए। मैं? और कौन? अब मैं अपने उंगली में ट्राई करके तो नहीं देख सकता ना, सो प्लीज। मैं आपकी फियांसी की रिंग कैसे ट्राई कर सकती हूँ? अरे मैडम, आप पहनिए तो सही, बाकी मैं देख लूंगा। बट ये बहुत टाइट है, छोटी भी है साइज। रिंग वाकई काफी खूबसूरत है, लेकिन आपके हाथों पर कुछ समझ नहीं आ रहा। अब पल्लवी के हाथ बहुत डेलिकेट है ना। जल्दी करो। मैं मत मैडम, अभी ले मत। आराम से भाई। फाइनली ट्विंकल में आ गया। माय गॉड, ये कैसे हुआ तुझे?
Don't worry, you'll be fine, yeah? चोट लगा ली ना, वो निकल गया ना, चल डॉक्टर के पास। यूवी मैं ठीक हूँ, खून भी रुक गया, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। नो यार ट्विंकल, डॉक्टर के पास जाना जरूरी, तेरे खून निकल रहा है, समझा कर। मुझे बहुत गुस्से में, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, जो उसके पास जाना होगा। Rocky, this is highly unacceptable. तुम्हारे लोगों को ट्विंकल का ख्याल रखना चाहिए। उसको चोट लग गई ना? ख्याल तो रखना चाहिए था, पर अब तू आ गया है ना। ट्विंकल का नाइट इन शाइनिंग आर्मर, सो ऑल्स वेल। रॉकी, आपसे कोई बात करना चाहता है। मुझसे? या बात तो करो। हेलो। हेलो बेटा। बेटा मैं उषा बोल रही हूँ, यूवी की माँ। यूवी बहुत बात करता है तुम्हारे बारे में। तो मेरा बड़ा मन हो रहा था तुमसे मिलने का, इसलिए आज रात मैं तुम्हें हमारे घर पर डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। आओगे ना बेटा? और पल्लवी को भी अपने साथ लेकर आना। जरूर आना, मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छा रखती हूँ। ओके, सो फाइनली डिसाइड हो गया, आप दोनों आज रात हमारे घर पे डिनर पे आ रहे हैं। एंड मॉम का हुक्म है तो मॉम का हुक्म सराख होगा। एंड हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे आप लोगों के एंगेजमेंट की। ओके, ट्विंकल चले, कम ऑन, आई सी यू गाइस टुनाइट। ये तो वही बात हुई, मुसीबत को खुद दावत दे। यूवी ने बिल्कुल वैसे ही किया, उस खड़ूस बॉक्सर को घर पे डिनर के लिए बुला के। ऑलरेडी मेरी उंगली कटवा चुका है, पता नहीं क्या क्या करेगा, शर्म भी नहीं आती। एटीट्यूड तो इतना भरा हुआ है उसके अंदर, सॉरी भी उसे ठीक से बोलना नहीं आता, हमेशा हूं के खड़ा है। मैं क्या करता मां? हां, जब मुझे ये पता चला कि उसकी कोई फैमिली नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगा, और इसीलिए मैंने उसे घर पे इनवाइट कर लिया। अब अगर हमारी फैमिली से वो मिल लेगा तो उसे थोड़ा सा दिल को सुकून मिल जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, बस दैट्स इट। हां बेटा, तूने बिल्कुल ठीक किया उसे बुलाकर। वही ना मां, अब भलाई का कोई जमाना नहीं है, यू नो? मुझे लगा कि मेरी हाई कमांड मेरी तारीफ करेगी, बोलेगी कितना सेंसिटिव लड़का है, कितना कितना केयरिंग लड़का है कि ऐसी चीजें कर रहा है। लेकिन हद है, यहाँ तो टॉन्ट पे टॉन्ट मारे जा रही लड़की। मुझे सुना रहा है हा? इसको तो मैं अभी बताती हूँ, युवराज लूथरा तुझे मैं। मेरे प्यारे युवराज, स्पेशल पकौड़े बना लूं मैं तेरे लिए। आह, ट्विंकल के स्पेशल मिर्ची वाले पकौड़े। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।